अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। छह जज का हत और इस हत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फायज इस साहब का आज खुद नोटिस, सो मोटो एक्शन। हमने पहले दिन ये मुतालबा किया था कि इसका सो मोटो होना चाहिए। मेरी आपकी तमाम की ये एक अपील थी, एक फरियाद थी कि इसके ऊपर आज खुद नोटिस होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इस वक्त सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बड़ी अदालत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के छह जजेज नहीं बल्कि जस्टिस साहबान, जिनमें से मोस्ट प्रोबेबली कुछ चीफ जस्टिस भी बनेगा, सीनियर जस्टिस भी बनेगा और डेफिनेटली वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी आएगा, बहुत सारे मामला में वो आएंगे। और कल को इन्हीं में से जैसे कि जस्टिस थे ममनून हुसैन साहब पाकिस्तान के सदर भी जा चुके हैं, तो इस तरह का एक ना सिलसिला वो फिर आगे चलता है। तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो दूसरे लोगों को इंसाफ मिलेगा, तो पूरी दुनिया का प्रेशर था, इंटरनेशनल दुनिया इसको देख रही थी। मगर एक फुल कोर्ट की एक खबर थी कि फुल कोर्ट कहने के ऊपर एग्जैक्टली के साथ मुलाकात होती है, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक थी, जस्टिस काजी फायज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुलाकात करते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान से जिसमें आजम नजीर तारर साहब भी थे और उस्मान अनवर भी थे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। मगर बात यहां पे खत्म ना हुई, ये छह जज जो है इनका मुतालबा भी था और पूरी कौम का मुतालबा भी था। तो आज बकायदा तौर के ऊपर एक सो मोटो एक्शन होगा, जो सात जजेस पर मुश्तमिल कमेटी होगी, जो डे आफ्टर टू मारो यानी कि बुध वाले दिन इसका फैसला करेगी, इसे सुनेगी और इस के ऊपर डेफिनेटली एक फैसला करना उनका बनता भी है। मगर इससे पहले आप जानते हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया हुकूमत की तरफ से, जिसके अंदर जस्टिस रिटायर तसदक जलानी साहब इसके सरबराह बने। तो अभी इस वक्त खबर ये है और ये उन्होंने बिल्कुल बाज़ाबत तौर पर जरा ये बात कंफर्म भी करा, उन्होंने खुद भी ये बात कह दिया है कि जस्टिस रिटायर तसदक जलानी साहब ने जो सरबराह हैं जिन्होंने जुडिशियल कमीशन के जिन्होंने बनना था, उन्होंने उस चीज से अपने आप को विदड्रा कर लिया, माजरत कर लिया कि मैं इसका जस्टिस इसका सरबराह नहीं बन सकता। फरुख शहबाज साहब बड़े एक जो है प्रोमिनेंट साफी हैं और बड़ी इन्वेस्टिगेटर साफी भी है, उन्होंने ये बात की है कि अगर आज सो मोटो ना होता तो आज के दिन ही छह जज जो है वो इस जुडिशियल कमीशन के ऊपर इतराज करते और कहते कि हमने तो एग्जेक्टिव के ऊपर इल्जाम लगाया, तो किस तरह एग्जेक्टिव इस जुडिशियल कमीशन को बना सकती है। अगर फुल कोर्ट भी बनता है तो फुल कोर्ट के अंदर ये वो खबर दे रहे हैं, फुल कोर्ट के अंदर हम काजी फायज शाह और जस्टिस मंसूर अली शाह को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने एग्जेक्टिव के साथ पहले ही मुलाकात कर ली हुई है और अगर एग्जेक्टिव के साथ मुलाकात होगी तो फिर किसी सूरत इसमें कोई ये मेरा ख्याल मरहला नहीं बनता। उधर मेरा ख्याल ये छह जज की पहली फतह है और इस पहली फतह के अंदर मेरा ख्याल काजी फायज साहब जो जुडिशियल कमीशन बनाने जा रहे थे, और फरक शुबाश ने बात की कि फुल कोर्ट ने कहा भी नहीं, उन्होंने खुद अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया और एक बड़ा यूटर्न है, देखते हैं इसके ऊपर क्या मजीद अपडेट आएगी, डेफिनेटली बड़ी खबर है। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कहते हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब और जनरल बाजवा के दरमियान एक रिकॉन्सिलिएशन कराई, मुफाहमत कराई, वो भी ये बात कह रहे हैं, उनके मुताबिक के तहरीक इंसाफ जो है जरा ये बात कह रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी साहब एक मुफाहमत का काम करने जा रहे हैं। इमरान अहमद खान नसब के सामने टू टाइम्स ये ऑफर रखी गई है कि आए हम मुफाहमत करते हैं, हम मिलकर बैठते हैं, मगर इमरान अहमद खान नसब के कुछ ये आ रही है रेजिस्टेंस के जी मेरा जो मैंडेट चुराया गया है हमारा उसको वापस किया जाए। मगर मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में ईद के फौरन बाद जो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ठंडी हवाओं के झोंके आने शुरू हो जाएंगे, मेरा ख्याल है इसमें होना भी चाहिए। और उधर अगर मैं बात करूं तो फवाद चौधरी साहब जिन्हों को जुडिशल किया गया करते रहे, मामला चलते रहे, मगर जब तक वो कस्टडी में रहे रियासत की उस वक्त तक उन्होंने तहरीके साहब की साइड ली। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया, वो क्या कहेंगे डेफिनेटली उनका आगे नेक्स्ट मौकफ क्या होगा वो बहुत बड़ा एक अवाम इस चीज के लिए मुंतजर है। उधर अगर मैं बात करूं तो जो पाकिस्तानी के सबसे बड़े सूबे लाहौर के जो सदर है हमाद साहब, उनको पिशावर हाईकोर्ट ने 51 मुकदमात में जो है वो फांसी जमानत दिया और कहा कि आप एक हफ्ते के अंदर मुतलका अदालतों से रजू करें और गिरफ्तारी से भी उनको रोक दिया। सनम जवेद साहब किसी तरफ के मुहताज नहीं, आज बाबर वान साहब को हसद के तौर पर या उन्होंने बिल्कुल बेबस होकर कहा कि कब तक हमें छोड़ाया जाएगा, कब तक हमारी जमानत होंगी, हमने इमरान खान के लिए बड़ी जेल काट रही। तो मेरा हाल है अभी तो उनकी क्योंकि मुझे जमानत नहीं नजर आ रही, क्योंकि मियांवाली जो उनको मुंतकिल किया गया लाहौर और मियांवाली में डिस्टेंस भी बड़ा है और जो एक अस्थिर अदारे की इमारत को गिराया गया, नुकसान पहुंचाएगा, तो उस मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए होस्ट को जयदिल।